मैम, दिस इज मी साध्या हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के महीने के पहले हाफ की रीडिंग, जो कि शुरू होगा 1 जून से लेके 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए पहला हाफ जून का कैसा रहेगा। इस रीडिंग में मैं ऐड करूँगी ओरेकल कार्ड और एक कार्ड हम ऐड करेंगे कलर कार्ड में से, जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा जून के पहले हाफ में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाऊंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। उसके अलावा मैं एक और चीज़ मेंशन करूंगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैं सिर्फ पेपॉल के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो तो सिर्फ तभी रीच आउट करो मुझे। और मुझे रीच आउट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर लो, क्योंकि उसमें मैंने सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर करती हूँ वो मेंशन की हुई है। उसके अलावा सारों के जो चार्जेस हैं वो मेंशन किए हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप रेडी हो परचेज करने के लिए और मेक श्योर कि आप रेडी हो पेपॉल के थ्रू पेमेंट करने के लिए। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट कर, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी, क्योंकि यूजली होता है कि आप लोग रीच आउट करते हो एंड देन आप कहते हो कि नहीं, पेमेंट पेमेंट जो है वो पेपॉल के थ्रू नहीं कर सकते हो। तो मेरा टाइम भी बिला वजह वेस्ट होता है, आपका भी वेस्ट होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेपॉल के अलावा मैं पेमेंट और एक्सेप्ट नहीं कर रही। दूसरा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो रीच आउट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो एक्सपेंसिव है तो डिस्काउंट दे। मैं डिस्काउंट्स नहीं देती, मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं करने को, तो मुझे अपना टाइम मैनेज करना होता है उसके अकॉर्डिंगली। और मैं मतलब इट्स लाइक कि इस चैनल पे मेरा वैसे पहले इरादा नहीं था कि मैं एक रखूँगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की तो इस वजह से मैंने ये चीज़ ऐड की थी इस चैनल के ऊपर। वरना इंग्लिश चैनल पे ही सिर्फ मैं ये पर्सनल रीडिंग्स ऑफर कर रही थी। सो अगर आप पे कर सकते हो तो तब मुझे रीच आउट करो, वरना मतलब आप किसी और टैरो रीडर को रीच आउट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। सो यप, स्टार्ट करते हैं वर्गो के लिए। देखते हैं कि जून का पहला हाफ कैसा रहेगा और फिर कलर कार्ड लेंगे और ओरेकल देखेंगे कि क्या होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। एट ऑफ सोर्ड्स पेयर अप विद सिक्स ऑफ कप्स। सो आप या आपका पर्सन आपको मिस करके ख़ुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, या आप किसी को मिस करके ख़ुद को ब्लॉक फील कर रहे हो। आप वो स्टेप्स नहीं ले रहे हो जो आपको उनके करीब लेके जाएं। आप मिस भी कर रहे हो, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो, आप वो एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो या लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, जिससे आप दोनों के बीच में अगर दूरी है या कोई मेंटल या फिजिकल ब्लॉक भी है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों ने आपने खुद आपके पर्सन को ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जस्ट दैट कि हाँ, आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो और दैट्स इट। लाइक मतलब आप एक होता है ना कि आप मिस कर रहे हो किसी को एंड देन आप सोचते हो कि मैं क्या करूँ ऐसा कि चीज़ें हम दोनों के बीच में बेहतर हो जाए। वो चीज़ नहीं है, एक थॉट है, एक प्रोसेस है जो आप गुजरते हो जिससे डेली बेसिस पे और जिससे आप गुजरोगे जून के पहले, स्पेशली पहले हफ्ते में आपके लिए थोड़ा ड्रेनिंग होगा इमोशनली, क्योंकि आपको लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन में। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, हो सकता है एनर्जीज रिवर्स हो। सो जस्ट पिक कि आपकी सिचुएशन किस तरह से मैच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लॉक है वो आप चाहो तो उसको क्लियर कर सकते हो। इवन अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो तो डेफिनेटली आप किसी भी और तरीके से उनको रीच आउट कर सकते हो अगर आप करना चाहो। जैसा मैं हमेशा कहते हैं कि हमेशा लव विल ऑलवेज फाइंड अ वे। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके दिल में उनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो सच्ची हैं, तो आप हमेशा कोई ना कोई वे आउट ढूंढ लोगे जिससे आप उनको रीच आउट कर सको। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ, मैं रीच आउट कैसे करूँगा या करूँगी। इस तरह की चीज़ें सिर्फ वो लोग बोलते हैं जो कि मतलब एक अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो इस तरह के जो एक्सक्यूज़ होते हैं वो बहुत लेम हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को खुद से ब्लॉक रख रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। आप खुद वो एक्शन नहीं ले रहे हो या वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जिससे आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन बेहतर हो जाए। लेकिन हाँ, मिस कर रहे हो, सोच रहे हो उनके बारे में, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। सो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, फिर ऊपर पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो फाइनली आप जो जब सेकेंड वीक में जाओगे तो आप एक्शन लोगे और रीच आउट करोगे उन इंसान को, उस शख्स को जो भी है, या वो आपको रीच आउट करेंगे फाइनली एक डिसीजन लेके, या आप उनको रीच आउट करोगे। और अनु इधर है कि टू हैव सेवन ऑफ वॉन्स।
underneath that nine of pentacles, underneath that chariot, underneath that temperance, underneath that six of wands. या मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक हुई हुई हैं फिलहाल इस कनेक्शन को लेकर, वो जून के सेकेंड वीक में चलना शुरू हो जाएंगी। सेकेंड वीक के आखिर में, जैसे 13 जून से लेकर 15 जून के आसपास में भी आपको मैसेज मिल जाए, या आप मैसेज कर दो उस इंसान को। लेकिन हाँ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी ना किसी एक को एक्शन लेना है, चाहे वो आप हो चाहे वो इंसान है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो स्टक हैं। लेकिन फाइनली जून के सेकेंड हफ्ते में एक्शन लिया जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए इस टाइम फ्रेम के अंदर, क्या होने वाला है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अच्छा, मुझे लग रहा है दोनों में, आप दोनों को ईगो इश्यूज हैं, आपको और उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों चाहते हो कि नहीं, ये मैंने नहीं करना, ये उसको करना चाहिए। और जब आप साथ भी होते हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ईगो जो है, या एक यू नो द फीलिंग जब आपको होता है कि मैं जो हूँ रिलेशनशिप में डोमिनेंट रहूँ, या मेरी बात ज़्यादा मानी जाए, कहीं ना कहीं उस तरह की एक चीज़ मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में लगती है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों का वर्कआउट होता है और फिर आप दोनों का मतलब फाइट हो जाता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, और फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इवन कि अब भी जब आप वापस आओगे एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को चाहिए कि आपके जो भी इस तरह की मामलात हैं जिनकी वजह से आप दोनों अक्सर फाइट पिकअप करते हो, आपको चाहिए कि उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो जितना मैक्सिमम कर सको। कोडिपेंडेंसी, अगर आप दोनों में किसी ना किसी एक को एडिक्शन है टुवर्ड्स अदर पर्सन, उस चीज़ को भी कंट्रोल करो। कहीं ना कहीं अगर आप काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और अपने पर्सन को इग्नोर करते हो, तो वो भी उसको भी कोशिश करो कि कम करो। और कोशिश करो कि इस दफ़ा जब आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करो, तो चीज़ें पहले की तरह नहीं लेके चलो, क्योंकि अगर आप पहले की तरह लेके चलोगे सब कुछ, तो रिज़ल्ट उसका पहले की तरह होगा, वो होगा ब्रेकअप, या वो होगा एक और यू नो गैप बिटवीन द टू ऑफ यू, जो कि नहीं होना चाहिए। सो वो मिस्टेक्स आपने रिपीट नहीं करनी जो आप पहले करते आए हो, क्योंकि अगर आप करोगे तो फिर आपका सेम वही रिज़ल्ट रहेगा फ्यूचर में भी। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि फाइनली एक एक्शन लिया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने अपनी एडिक्शन, अगर आप ज़्यादा पागल हो जाते हो इस इंसान को लेकर, या आपका आपका बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब आपका बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, या इस तरह की चीज़ें अगर आप डिमांडिंग हो जाते हो, या ये पर्सन डिमांडिंग हो जाते हैं आपको लेकर, तो उस चीज़ को कोशिश करो कि आप बातचीत के ज़रिए इस उस मैटर को, उस इशू को रिजॉल्व करो। और कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा नहीं करो जिसकी वजह से पहले आप दोनों के बीच में इश्यूज आए थे। देखते हैं कि कलर कार्ड कौन सा है आपके लिए, कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। मूव, एंजॉय, क्लियर हियरिंग, नंबर 43। आप दोनों का एक इशू मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन रहेगा, आप लोग मिसअंडरस्टैंड करते हो एक दूसरे को। मॉफ कलर मैं आपको दिखा दूँ, ये कलर आपके लिए लकी रहेगा, और नंबर 43 हो सकता है आपके लिए लकी हो, नंबर 7 भी आपके लिए लकी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरा ये कि आप दोनों, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो अगर आप कुछ बोलते हो वो कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप दोनों उस चीज़ को क्लियर आउट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं। अगेन, कोशिश करो कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो क्लियरली सेड या हर्ड नहीं हो। मेक श्योर कि सारी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर ओपन हो, कुछ चीज़ें भी, कोई भी चीज़ आप हाइड नहीं करो, कोई भी चीज़ वो हाइड ना करें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी बातें हैं, वो ओपनली डिस्कस करो, बातचीत करो, ताकि कोई भी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर सके आप दोनों के दरमियान। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का रीज़न, या मतलब आप दोनों के दरमियान एक यू नो गैप आने का रीज़न, या आप दोनों के बीच में लड़ाई होने का रीज़न कोई थर्ड पर्सन हो। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि या तो आपने उनके बारे में कुछ ऐसी बात सुनी हो, या उन्होंने आपके बारे में कोई ऐसी बात सुनी हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हुए या सेपरेशन हुई। इन दैट केस टू आपको चाहिए कि कम्युनिकेशन ओपन और ऑनेस्टली करो, ताकि कोई भी इंसान इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए कि आप दोनों के दरमियान में वो एक फसाद डाल सके। तो मेक श्योर कि आप और आपका पर्सन जो भी है, ये जिसके साथ आप जिनको आप मिस कर रहे हो, आपने उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखनी है। सो ये थी आपकी रीडिंग जून के
पहले 2 हफ्तों की, 1 जून से लेके 15 जून तक। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लाइक आई सेड कि आप पेपाल के थ्रू अगर पेमेंट कर सकते हो तो सिर्फ तब मुझे रीच आउट करो। और कमेंट सेक्शन में मैं एक मेरी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।